शुक्रवार को देश के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और रोकथाम प्रशासन का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है कि चीन ने कोविड सब वेरिएंट JN1 के 7 संक्रमणों का पता लगाया गया है। वहीं चीन अधिकारियों ने दावा किया है कि उस देश में JN1 का प्रसार स्तर वर्तमान में बहुत कम है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आयातित मामलों सहित कारकों के कारण चीन में इसके प्रमुख तनाव बनने की संभावना से इनकार कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि JN1 का प्रसार स्तर वर्तमान में देश में बहुत कम है, लेकिन आयातित मामलों सहित कारकों के कारण चीन में इसके प्रमुख तनाव बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। DCC के अनुसार स्पाइक प्रोटीन में JN1 और BA.2.86 के बीच केवल एक ही बदलाव होता है। JN1 को पहली बार सितंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया गया था। 8 दिसंबर तक यूनाइटेड स्टेट्स की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी का अनुमान है कि वेरिएंट JN1 संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल मामलों का 15-29% के बीच है। अमेरिका की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि CDC का अनुमान है कि SARS COVID-2 जीनोमिक अनुक्रमों के अनुपात के रूप में JN1 में वृद्धि जारी रहेगी। यह वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ने वाला संस्करण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए कोरोना वायरस वेरिएंट का पता सबसे पहले 13 दिसंबर को केरल में चला था। भारतीय SARS COVID-2 जीनोमिक कंसोर्टियम के नवीनतम डेटा ने भी केरल में इसकी उपस्थिति की पुष्टि की है। CDC के अनुसार वर्तमान में यह ज्ञात नहीं है कि कोरोना वायरस का JN1 वेरिएंट अन्य वेरिएंट से अलग लक्षण पैदा करता है। सामान्य तौर पर COVID-19 के लक्षण विभिन्न प्रकारों में समान होते हैं। CDC ने कहा कि लक्षणों के प्रकार और वे कितने गंभीर हैं, यह आमतौर पर किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा और समग्र स्वास्थ्य पर अधिक निर्भर करता है, बजाय इसके कि कौन सा प्रकार संक्रमण का कारण बनता है। हालांकि JN1 की गंभीरता का अभी तक अनुमान नहीं लगाया जा सका है। US CDC ने कहा कि JN1 की निरंतर वृद्धि से पता चलता है या तो अधिक संक्रमक है या हमारी प्रतीक्षारत प्रणाली से बचने में बेहतर है। इस समय इस बात का कोई सबूत नहीं है कि JN1 वर्तमान में प्रसारित अन्य वेरिएंट की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा जोखिम प्रस्तुत करता है। इस समय JN1 से गंभीरता बढ़ने का कोई संकेत नहीं है। COVID-19 टीकों से JN1 के खिलाफ सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है, जैसा कि ये अन्य वेरिएंट के लिए करते हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।